Hello students, in this video I am going to explain poem If Ever I See. The poem If Ever I See is written by Lydia Maria Child. ये जो poem है आज की video में मैं explain करने जा रही हूँ, इसका title है If Ever I See, जो Lydia Maria Child ने compose की है. तो देखते हैं, पोइट इज द लवर ऑफ नेचर. यहाँ पर जो पोइटेस है वो नेचर की लवर है, प्रकृति की प्रेमी है. सी फील्स दैट नेचर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ईच वन मस्ट एंजॉय इट. वो महसूस करती है कि प्रकृति ईश्वर का उपहार है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे एंजॉय करना चाहिए. Being inspired by nature, the poem is composed. प्रकृति से प्रेरित होकर के ये poem composed की गई है. तो चलिए देखते हैं. If ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest, I must not in play steal the birds away to grieve their mother's breast. My mother, I know, would sorrow so, should I be stolen away. यहाँ पर जो पोइटेस है वो एक बच्ची है, वो कहती है, If ever I see, अगर मैं कभी देखती हूँ, on bush or tree, वृक्षों पर और झाड़ियों पर, young birds in their pretty nest, पक्षियों के बच्चे जो उनके प्रीटी नेस्ट उनके घोंसले में होती है, उनका जो प्यारा सा घोंसला होता है उसमें होती है. आई मस्ट नॉट इन प्ले स्टील द बर्ड्स अवे, मैं इन्हें नहीं चुराऊंगी पक्षियों को, टू ग्रीव देयर मदर्स ब्रेस्ट, क्योंकि उनकी माँ को दुख होगा. तो अगर हम पूरे इसका एक्सप्लेनेशन देखें, इसका पूरा अर्थ समझें, तो ये जो पोइटेस है वो ये कहती है, जो बच्ची है, कि अगर मैं कभी वृक्षों पर और झाड़ियों में पक्षियों के छोटे बच्चों को उनके घोंसलों में देखती हूँ तो मेरा मन उनके साथ खेलने के लिए करता है, लेकिन मेरा मन उनके साथ खेलने के लिए जरूर करता है, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें चुराऊंगी नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें चुरा लूं. अगर मैं उन्हें चुरा लूं तो उनकी माँ को बुरा लगेगा, उनकी माँ को बहुत दुख होगा, क्योंकि जब कोई मुझे मेरी माँ से चुराएगा तो मेरी माँ को भी दुख होगा. सो आई विल स्पीक टू द बर्ड्स इन माई सॉफ्टेस्ट वर्ड्स. आगे कहती है, इसलिए मैं बोलूंगी इन माई सॉफ्टेस्ट वर्ड्स, पक्षियों से बोलूंगी अपने बहुत ही सॉफ्टेस्ट वर्ड, यानी कोमल शब्दों में उनसे कहूंगी. किनसे? पक्षियों से. कह रही है कि मैं पक्षियों से बहुत ही कोमल शब्दों में कहूंगी कि इन माई नॉर हर्ट देम इन माई प्ले, मेरे खेल के दौरान मैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी. एंड व्हेन दे कैन फ्लाई इन द ब्राइट ब्लू स्काई, और जब वो इस नीले चमकदार आसमान में उड़ सकेंगे, दे विल वॉरेबल अ सॉन्ग टू मी, एंड देन इफ आई एम सैड इट विल मेक मी ग्लैड टू थिंक दे आर हैप्पी एंड फ्री. आगे वो कहती है बच्ची कि जब मैं दुखी होंगी कभी, जैसे मैं उदास हो जाऊंगी, तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो आसमान में उड़ सकेंगे, तो जिस उस टाइम पर जब मैं कभी उदास होंगी तो वो मेरे लिए वहां से गाना गाएंगे, और उनका गाना गाकर मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे वो बहुत प्रसन्नता मिलेगी और खुशी होगी. क्या सोचकर कि वे अभी खुश हैं और स्वतंत्र घूम रहे हैं. आई होप आपको ये पोइम क्लियर हो गई होगी. थैंक यू.